सियासत एक जंग है, सियासत करके निकलेगा। सियासत एक जंग है, सियासत करके निकलेगा। करो जिस पे भरोसा तुम, वही गद्दार निकलेगा। करो जिस पे भरोसा तुम, वही गद्दार निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे ऐ लोगों, हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे ऐ लोगों। हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, लेकिन आज भी हमें इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई वाली मूवी दिखाई जाती है ताकि हम एक दूसरे से नफरत कर सकें। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, सबको बीमार बनाने पे तुली है दुनिया। हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले, उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। बहुत अच्छा। उनको हथियार बनाने पे तुली है दुनिया। दोस्तों, भाई फरहान भाई को हौसला दे, जहाँ जहाँ आपको एक बार हौसला से आप सुनिए, हौसले से भाई फरहान भाई को। साथियों, पहला शायर है ये शायर जो पढ़ रहा है, आप लोग अपनी तालियों से इसकी हौसला अफजाई कीजिए और जिंदा दिली होने का अपना सबूत दिखाइए कि हम जिंदा क्यों बैठी है यहाँ। आवाज अपनी तालियों से गड़गड़ाहट कर दीजिए। साथियों, भाई फरहान प्रतापगढ़ी आपके बीच में। हिंदू मुसलमान करने वाले, हमारी एक बात सुन लो कान खोल के। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, धर्म कभी खतरे में नहीं था जी भाई। अगर धर्म खतरे में होता तो महाराणा प्रताप का सेनापति एक मुसलमान नहीं होता। क्या बात है भाई। एक अकबर का सेनापति हिंदू नहीं होता। बहुत अच्छा। धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में तो कुर्सी है। ये जो कर करके हिंदू मुसलमान का बंटवारा किए हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ और आप लोग भी उन्हें बता दीजिए कि ये नफरत के बाजार बंद हो गए हैं, मोहब्बत के बाजार खुलने वाले हैं। बहुत अच्छा है, क्या बात है। दोस्तों, आइए मैं इन्हीं के हवाले। फरहान भाई, नफरतों की कहीं बारिश नहीं होने देंगे, ऐ मोहब्बत तुम्हें लावारिश नहीं होने देंगे। वाह, बहुत अच्छा है फरहान भाई, हौसले से पढ़िए। मैं पढ़ता हूँ, चार मिसरे सुनिएगा और अगर सच्चा मिसरा लगे तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइएगा। जी, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। न ये सरकार मेरी है, न ये रब भी मेरा है, न ये सरकार मेरी है, न ये रब भी मेरा है। बड़ा सा नाम न मेरा है, बस एक पहचान तेरा है। बड़ा सा नाम न मेरा है, बस एक पहचान तेरा है। मुझे तो एक छोटी बात का बस एक गौरव है, मुझे तो एक छोटी बात का बस एक गौरव है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। दोस्तों, शानदार। हमारे बिहारी लाल अमर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। इनको शायद याद नहीं होगा, अभी 15 दिन पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी हंडोर के मुशायरे में। हाँ 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 जी, फरहान याद है मुझको। जी, बिहारी लाल अंबर जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। यात्रा भाई करें। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बता दीजिए, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं ये। ये मुशायरा जम गया भाई, पहले ही शायर पे इतना ताली। दोस्तों,
लगता है आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है मेरे शेर, मेरे जो पीछे नौजवान भाई हैं, लगता है मैं उनके मन का शेर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आप बहुत सच्चा शेर पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाइयों पे तालियों की उम्मीदें कम करिए, आप अपनी सच्ची बातें कहने से पीछे मत हटिए। बिल्कुल बिल्कुल बिहारी जी, लेकिन मैं अब इन्हीं के मन का शेर पढ़ने वाला हूँ जो ये चाह रहे हैं। जी जी, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा जी। दुआएं भाई फरहान भाई। इरशादो के फूलों का तबस्सुम है, के कलियों की जवानी है, के फूलों का तबस्सुम है, के कलियों की जवानी है, गुलाबी ओठ वाली है, शराबी आँख दिखती है, गुलाबी ओठ वाली है, शराबी आँख दिखती है, वो चलती है न जाने कितनों को घायल, वो करती है, वो चलती है न जाने कितनों को घायल, वो करती है, किसी के हाथ ना आती है, वो सबको पागल करती है, किसी के हाथ ना आती है, वो सबको पागल करती है। दोस्तों मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ। इरशाद हो भाई। दुआएं भाई दुआएं। के टूटी पतवार से तारों का सफ़र क्या मतलब, के टूटी पतवार से तारों का सफ़र क्या मतलब, मैंने तुझको चाहा था बहुत मगर क्या मतलब, के टूटी पतवार से तारों का सफ़र क्या मतलब, मैंने तुझको चाहा था बहुत मगर क्या मतलब, माना कि उस महफिल में मेरे कुछ यार भी आए थे, माना कि उस महफिल में मेरे कुछ यार भी आए थे, मेरी पढ़ ही जाएगी नज़र तुझ पे तो क्या मतलब, मेरी पढ़ ही जाएगी नज़र तो तुझ पे क्या मतलब। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। एक बार तालियां बजाएं आप सब, एक बार ताली बजाकर हौसला अफजाई करें। मैं पढ़ता हूँ सुनिएगा जी। इरशाद हो। न छोड़ो तुम हमें इतना, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, न छोड़ो तुम हमें इतना, तुम्हें मैं प्यार करता हूँ, न रिश्ता था कोई फिर भी, तुम्हें दिल दे के बैठा हूँ, न रिश्ता था कोई फिर भी, तुम्हें दिल दे के बैठा हूँ, कि रातों में मेरी नींदों में बस तुम याद आती हो, कि रातों में मेरी नींदों में बस तुम याद आती हो, न चाहेगा कोई इतना तुम्हें जितना मैं चाहता हूँ, न चाहेगा कोई इतना तुम्हें जितना मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आइए मैं चार मिसरे पढ़कर, माँ के हवाले से चार मिसरे पढ़कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। इरशाद हो भाई। जी भाई, दुआएं सुनिएगा। जो अपने वालिदैन के दिल को दुखाएगा, जो अपने वालिदैन के दिल को दुखाएगा, ऐ दोस्तों वो शौक से जहन्नम में जाएगा, ऐ दोस्तों वो शौक से जहन्नम में जाएगा, के खुलबे बरी का दोस्तों हकदार है वही, हकदार है वही,
वही के खुलबे बरी का दोस्त तो हकदार है वही। अरे अपने ज़ईफ माँ का जो पाँव दबाएगा, अरे अपने ज़ईफ माँ का जो पाँव दबाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।